सब गिले शिकवे मिट गए आप उसके बाद जो है वो एक क्लोजर मिला एंड देन जो है दूसरी चीजें जो है स्टार्ट हुई. सो आई विद दो सच एन इंस्पिरेशनल स्टोरी काफी ज्यादा. पिछले 10 सालों में जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वो सीधा डबल हो गया है. एक दशक पहले लगभग 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, अभी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोग एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, 11 लाख 10 लाख. आपको क्या लगता है कि एस्पिरेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं इतनी तेजी से? सो आई थिंक फर्स्ट थिंग इज दैट डेमोक्रेटाइज हो गया प्रिपरेशन. पहले आपको एक बजट होना चाहिए था कि आप ORN मूव कर सकते हो मुखर्जी नगर, क्योंकि हर जगह गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी. तो आपको अगर ये भी जानना है कि तैयारी कैसे करनी है तो आपको दिल्ली आना पड़ता था. अब क्या है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एस्पिरेंट बन सकते हैं. आप कहीं भी बैठे हैं, आपके पास यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज हैं, टॉपर्स की गाइडेंस वीडियोज हैं, हर एक सब्जेक्ट पे लेक्चर्स हैं, कैसे पढ़ना है, इनफैक्ट पढ़ाया भी जा रहा है फ्री में. तो एक सबसे बड़ी मुझे ये चीज़ लगती है. दूसरी एक इंटरनेट के साथ जो सोशल मीडिया जिस हिसाब से बढ़ा है और जितने ज़्यादा नए लोग जुड़े हैं, जो ग्लैमर वाला एस्पेक्ट है सिविल सर्विसेज का वो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा है. तो अब कोई भी इंसान कहीं पर भी बैठा रॉयल एंट्री एक रॉयल एंट्री की वीडियो अगर देख रहा है टॉपर की, तो डेफिनेटली उसके मन में वो आकर्षण आता है कि यार ये सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप इंजीनियर्स की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की रॉयल एंट्री वीडियो नहीं पाते हो. तो ये डेफिनेटली एक मुझे लगता है ये दो मुख्य कारण. आपके तो है ही नहीं, अपने टाइम में नहीं होता था ये सब. और एक आई फील ना सर्टेनिटी विद द गवर्नमेंट जॉब ना, यू सी लास्ट 10-12 इयर्स में रिसेशन 2008 का रिसेशन ले लो, कोविड में ले ऑफ्स ले लो, और अभी अमेजन और जितने भी बिग टेक्स हैं इनका सबका ले ऑफ्स आया. एंड पीपल कहीं ना कहीं इंडिया में तो दे फील के गवर्नमेंट जॉब इज समथिंग सिक्योर है, मतलब एंड तक सिक्योर है. तो हाँ वो ट्रू है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजन के पीपल फील के ये अच्छी वो एक ऑप्शन है उसमें. मुझे इसमें ये लगता है कि जो ऑनलाइन डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है एज यू वर सेइंग उसका बहुत इम्पैक्ट आया है. क्योंकि पहले जो सोचता था कि ठीक है पैसा नहीं भी है तो अब वो फॉर्म तो भर ही रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है यूट्यूब के माध्यम से, है हम पढ़ा रहे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, तो उससे तो इम्पैक्ट आया ही है. एंड कोविड का भी डेफिनेटली है, कोविड एंड दी अदर इकोनॉमिक हार्डशिप्स दैट वी फेस. पर फिर भी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गया है कंपेयर टू दी प्रीवियस टाइम पीरियड. जो पिछले दशकों में ग्रोथ था उसके मुकाबले डेफिनेटली तेज़ी से हुआ है. यूपीएससी की रिपोर्ट एक्चुअली दूसरा परसेप्शन भी देती है. 321 आर्टिकल 321 के अंदर रिपोर्ट देते हो तो उसमें ये कहती है कि अंडर पोटेंशियल है अभी भी. तो हम लोग को लग रहा है कि ग्रोथ हो रही है, बट बिकॉज ऑफ द परसेप्शन इस एग्ज़ाम का काफ़ी टफ है. लोग देखते तक नहीं इस एग्ज़ाम की तरफ कि इसका पेपर कैसा है, बिकॉज दे जस्ट अज्यूम कि एग्ज़ाम बहुत टफ है. तो यूपीएससी खुद कहता है कि थोड़ा सा और हो सकता है. हम लोग को पता नहीं कि कितनी कैपिंग है, कितनी सीलिंग है, कि जहाँ पे ये परफेक्ट क्वांटम है कितने लोग होने चाहिए. माना कि ग्लैमराइजेशन है, सर्टेनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. बढ़ क्यों रहा है? शायद इकनॉमी में जैसे सर ने बोला कि सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को चाहिए कि एक सरकारी जॉब मिल जाए. अब वो तो चाहेगा कि सबसे अच्छी जॉब मिले. तो इंडिया में क्लर्क से लेकर IAS तक के में बेस्ट IAS का है. तो सर वो लगातार चलेगा ये ट्रेंड, और ये रुकेगा नहीं जब तक प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंट नहीं होता गवर्नमेंट सेक्टर पे. ये बहुत बड़ा कारण है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है. मैं बलिया में था, एक इंसिडेंट रिकॉल कर रहा हूँ. मेरा SDM था वहाँ पे, तो इज वर्किंग इन अ वेरी गुड प्राइवेट फर्म. अच्छा उसने इंजीनियरिंग की थी एंड देन अच्छा कमा रहा था, बट वो पूर्वांचल से था, ईस्टर्न UP. तो वहाँ एक कल्चर है सरकारी जॉब नहीं है तो कुछ नहीं है. तो मतलब उसकी दादी जो थी वो थी कि हाँ ठीक है, लेकिन उनके लिए उनके दिमाग में था नायब तहसीलदार का एक कॉन्सेप्ट कि कोई होता है, कोई उनका हुआ होगा उससे इंट्रैक्शन. तो बोले नायब तहसीलदार होते तो बेटर होता. तो बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रेशर ही अटेम्प्टेड UPSC, बट UPSC में नहीं हुआ. एंड मतलब अच्छा स्टूडेंट है वो, एंड फिर UPPCS में उसने अटेम्प्ट किया एंड SDM हुआ. तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स आते हैं कि हाँ सरकारी है तो सर इसमें एक इंसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी प्रचलित भी है. मेरे सामने एक बार हुआ था कि एक इंडिविजुअल था, वो एक केस में फंसा हुआ था. लड़का था 35-40 का ऑलमोस्ट, उसकी माँ 80 साल की थी. तो वो काफ़ी लड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंची. जस्टिस अजरस हो गए थे उस टाइम में जज. तो बोले थे जब उसको बेल मिल गई अल्टीमेटली, बोली माता जी आप क्या बोलना चाहेंगी? तो माता जी बोली कि कुछ हो ना हो आपका बेटा दरोगा बन जाए. तो अब उसके लिए दरोगा भी बहुत बड़ी चीज़ है. तो जैसे उन्होंने कि सरकारी का जो वो है कि यार दरोगा तहसीलदार, उनको पता तक नहीं होगा कि DM DCP होते क्या हैं. उनके लिए खुद वही बहुत बड़ी चीज़ है कि दरोगा बन जाए. सोसाइटी में जो एक अट्रैक्शन वाली चीज़ तो है कि दे रिगार्ड इट. अभी ऐसा भी है कि पिछले कुछ सालों से कम्युनिटी बेस्ड UPSC कोचिंग आ गई है. सो आप देखेंगे ORN में ही देर इज जैन के लिए, सो जैन हॉस्टल है, देर इज अतिया फाउंडेशन, ऐसे ही संकल्प है,
तो ऐसे कई सारे ऑलमोस्ट एवरी अग्रवाल कम्युनिटी इज डूइंग दैट. सो कम्युनिटी इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस आइडिया कि हम अपने लोगों को सिविल सर्विसेज में डालना चाहते हैं. एंड मतलब ये पिछले कुछ 10-12 सालों से हुआ है कि काफी रैपिड स्केल पे हो रहा है. दे आर प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप्स कि आप आओ रहो, फ्री यू नो लॉजिंग, फ्री कोचिंग, टेस्ट सीरीज में भी दे रहे हैं. तो एक ये भी एंगल मुझे लगता है यहाँ पे. तो लॉन्ग टर्म में वी हैव टू क्रिएट अ सोसाइटी जहाँ पे अट्रैक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली शुड गो डाउन. मेरा आई फील वो एक जस्ट टू ऐड टू इट, आई फील वो टाइम के साथ होता है. डेवलपिंग कंट्री में हमेशा जो वेलफेयर का एक प्रिंसिपल है ना, उसमें यू नीड ब्यूरोक्रेसी और उसकी डिमांड उतनी रहती है. दम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, उसका वेन वो होता चला जाएगा. रेगुलेटरी रोल में जब जैसे जैसे हम लोग आएंगे, तो इट्स अ टेक्निकल थिंग, बट आई फील के मतलब वो खुद ब खुद वो. बट ब्यूरोक्रेसी में मिल्टन फ्रीडमैन का आइडिया ये है कि ब्यूरोक्रेट क्या है, आपका पैसा डेफिनेटली आपसे बेटर कोई नहीं खर्च कर सकता. ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ए का पैसा लेगी, बी बनेगी, बी लेयर बनेगी ब्यूरोक्रेसी, सी के लिए खर्च करेगी. यार ये ज़्यादा अच्छा बेस्ट आइडिया है. डेफिनेटली आई हैव दिस परसेप्शन कि डेफिनेटली एन इंडिविजुअल कैन स्पेंड बेटर ऑन हिम सेल्फ और हर सेल्फ देन एनी वन एल्स स्किल्स. और वो ब्यूरोक्रेट काम करता है, वो बताता है कि ये पैसा देखो तुम्हारे लिए किया जा रहा है, बट वो है पैसा और किसी का.